सर, आपने कहा कि जम्मू के युवा जो है सरकारी नौकरियों पर उम्मीद ना रखें, क्या सरकार के पास अब नौकरियां नहीं है, या जो उम्मीद करते हैं सरकारी नौकरी करने, क्या अब वो उम्मीद छोड़ दें? मैंने ये नहीं कहा कि भाई जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए सरकारी नौकरियाँ नहीं है। स्पिरिट न्यूज़ और मैं हूँ मन्ना हंस। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जुगल किशोर जी। चलिए बातचीत करते हैं कि क्या कुछ कहना है। जी सर, जिस तरह से मानसून सत्र हो चुका है, तो आपने जम्मू के युवाओं की किस तरह से बात वहाँ पर रखी है, और जम्मू के युवाओं को अब क्या कुछ खास जो है मिलेगा? देखिए, जम्मू कश्मीर के नौजवानों को उनके सारे हक जो हैं वो मिलेंगे, उनके जो अधिकार हैं उनसे उनको वंचित नहीं रखा जाएगा। और केंद्र सरकार का भी और प्रदेश सरकार का भी ये प्रयास है कि हम जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोज़गार भी दें और उनको प्रेरित करें कि वो स्वरोजगार की ओर आगे बढ़ें। तो इसलिए हमको भी ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि सब सरकारी नौकरी की ओर आगे ना बढ़ें, और सबको सरकारी नौकरियां नहीं मिलेंगी। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि कोरोना महामारी में भी नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस देश की बेहतरी के लिए और अर्थव्यवस्था हमारी सुदृढ़ हो उसके लिए कई बड़े सारे कदम उठाए हैं। सर, आपने कहा कि जम्मू के युवा जो है सरकारी नौकरियों पर उम्मीद ना रखें, क्या सरकार के पास अब नौकरियां नहीं है, या जो उम्मीद करते हैं सरकारी नौकरी करने, क्या अब वो उम्मीद छोड़ दें? मैंने ये नहीं कहा कि भाई जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए सरकारी नौकरियाँ नहीं है। क्यों नहीं है? पूरे देश भर में नौजवानों के लिए सरकारी नौकरियाँ हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरियाँ हैं, स्वरोजगार के लिए भी उनको आगे बढ़ना चाहिए। जम्मू कश्मीर सरकार में भी जितने पद रिक्त हैं या जितने वो कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार लोगों को दे सकते हैं, उसके लिए प्रयासरत हैं। लेकिन जनसंख्या के आधार पर शायद सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, तो हमें अपने काम के लिए और स्वरोजगार पैदा करने के लिए आगे बढ़ना होगा और दूसरों लोगों को भी रोज़गार देना होगा। ज़िला पुंछ की बात की जाए तो ज़िला पुंछ में एक किसान को 10 करोड़ का बिल आ गया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि आपने किसानों के बारे में भी बात की है कि किसान जो है चौपर में जाएंगे, लेकिन अभी किसानों को यहाँ पर 10 करोड़ रुपया यहाँ पर आ गया, किस तरह से? आपको क्या लगता है कि उसने 10 करोड़ की बिजली जो है वो यूज किया है क्या, इस्तेमाल किया क्या? किसका बिल आया उनको 10 करोड़? सरकारी अधिकारियों का ही यहाँ पर कसूर है। बिल आया उनको 10 करोड़ का, बिजली का बिल आया होगा ना, तो हो सकता है कि उनको 1000 का बिल हो और 2-3-4 उन्होंने और जीरो लगा दिए हों, वो कहीं कोई गलती हुई होगी इसलिए उनको 1 करोड़ का बिल आया होगा। लेकिन मैं चाहूँगा कि आपने ठीक प्रश्न उठाया, लोगों को परेशान करने से बेहतर है कि भाई हम पहले से ही अपना ठीक काम करें और जो गलती है वो ना हो, जिससे कि लोग परेशान ना हों। सरकार की बात की जाए तो सरकार के साथ कोई भी जो है यहाँ पर पंगा नहीं लेना चाहता, लेकिन 10 करोड़ जब आ जाता है तो उस इंसान की तो ज़मीन जो है वो हिलगी होगी, हो सकता है उसे हार्ट अटैक भी आ जाता, तो उसका जिम्मेदार कौन था? नहीं, ऐसा नहीं है, उसको भी मालूम होगा कि ये गलती से मुझे 10 करोड़ का बिल आ गया, लेकिन डिपार्टमेंट की तरफ से ये जो गलती है ये नहीं होनी चाहिए और डिपार्टमेंट को इस ओर ध्यान देना चाहिए। जिस अधिकारी से ये गलती हुई है, क्या उस पर कोई एक्शन आना चाहिए कि आगे से इस तरह से ना हो? बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, और एक नहीं, एक 10 करोड़ की बात नहीं है या करोड़ की बात नहीं है, कई लोगों को भी ज़्यादा बिल आ जाते हैं, कंप्यूटर में कुछ अच्छा मतलब कोई हो सकता है, कोई कंप्यूटर ठीक नहीं हो या किसी डिपार्टमेंट की गलती हो या किसी की गलती हो, लेकिन ये गलती हमें दूर करनी चाहिए और बहुत गंभीरता के साथ ये बिल जो है लोगों को भेजना चाहिए। एक आखिरी सवाल, हो सकता है कि लोगों को कई वक्त जो है ज़्यादा बिल गया हो, तो लोगों के पैसे जो हैं वहाँ पर ट्रांसफ़र किए गए हों, जिस तरह से बिल ज़्यादा आ गया 10 करोड़, यहाँ से तो पता चल गया कि ये कोई ऐसे घपला ही है, लेकिन पहले से अगर बात की जाए तो अगर किसी का 1000 बिल होगा, हो सकता है 3000 बिल आ गया हो, लोग तो वहाँ पर भर देते होंगे, तो यहाँ पर जो है उन अधिकारियों पर किस तरह से जो है कड़ी शिकंजा कसना चाहिए? ऐसे जो लापरवाह करते हैं, लापरवाही करते हैं, और ऐसे अधिकारियों पर ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए, और मेरी तो प्रार्थना है डिपार्टमेंट के लोगों से भाई बड़ी गंभीरता के साथ ये इन मामलों को लें, ये कोई छोटी बात नहीं है, लोग परेशान होते हैं। आपने इस मसले को उठाया, मैं भी अगर ऊपर उठाऊंगा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जुगल किशोर जी, जिनके साथ कई बातचीत हुई है। अब मानसून सत्र की बात की है कि युवाओं को अब काफ़ी रोज़गार मिलेंगे, चलिए देखते हैं कि कितना रोज़गार जो है जम्मू के युवाओं को मिलेगा। तो आप ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहें स्पिरिट न्यूज़ के साथ। वंदना हंस, स्पिरिट न्यूज़ जम्मू। नमस्कार।